हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड MSIL ने अपनी सेकंड जनरेशन अर्टिगा MPV को इस साल 21 नवंबर को भारत में लॉन्च किया था। कार को भारतीय बाजार में ग्राहकों का जबरदस्त साथ मिल रहा है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इस कार की अब तक 23,000 सेकंड भी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। कार की लोकप्रियता का इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नई अर्टिगा को लॉन्च हुए अभी एक महीना ही हुआ है और इसकी वेटिंग पीरियड 3 महीने तक की हो गई है। यही नहीं बल्कि उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कार की मांग और भी बढ़ सकती है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि नई अर्टिगा की हर रोज करीब 800 बुकिंग हो रही है। अर्टिगा के शी वेरिएंट की शुरुआती दिल्ली एक्स शोरूम 7.44 लाख रुपए है। नई अर्टिगा पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में उपलब्ध है। नई अर्टिगा के पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 104 bhp की मैक्सिमम पावर और 138 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं डीजल वर्जन की बात करें तो इसमें 1.3 लीटर का मल्टीजेट डीजल इंजन दिया गया है जो 89 bhp की मैक्सिमम पावर और 200 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। दोनों ही वेरिएंट में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है।